ओम कर्तव्य अस्मिनं श्री बरंदा बुरु पूजा कर्माणि ओम स्वस्ति अधि ब्रह्मन्तु धि ब्रह्मन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति अरे बोलो ओम कर्तव्य अस्मिनं श्री बरंदा बुरु पूजा कर्माणि ओम स्वस्ति अधि ब्रह्मन्तु धि ब्रह्मन्तु ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं अरे बोल ले ओम कर्तव्य अस्मिनं श्री बरंदा बुरु पूजा कर्माणि ओम स्वस्ति अधि ब्रह्मन्तु धि ब्रह्मन्तु ओम हृदतां ओम हृदतां ओम हृदतां फुल लो। आज सवेरे सवेरे हम चल पड़े हैं बरंदा पहाड़ के ऊपर में, और ये वही जगह है जहां पे उस दिन हम दिखाए थे कि एक छोटा मोटा वाटर स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो जंगल के ऊपर में ही अपना प्यास को बुझा पाएं और हमारा जो जंगल है ये भी हरा भरा रहे। तो इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये जो पहाड़ है इसे हमारे यहाँ पे बहुत से धार्मिक मान्यताएँ भी हैं, और इस पहाड़ को हम पूजते हैं तो पहाड़ की अनुमति के बिना हम यहाँ पे कुछ भी विकास कार्य नहीं करना चाहेंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं भूमि पूजन के लिए, और भूमि पूजन करने के बाद ही यहाँ पे जो काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह का आज का ये प्रोग्राम होने वाला है। ये बहुत से लोग हैं हमारे साथ में, देखिए दोस्तों यही है बरंदा पहाड़, इसे हम लोग बरंदा बुरु के नाम से भी जानते हैं, और ये धार्मिक पहाड़ है हमारे यहाँ का। यहाँ के जो लोग हैं वो इसे देवता के रूप में पूजते हैं। अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, यहीं आगे में वो जगह है जिसे हम लोग यहाँ के बात लैंग्वेज में लेतकी बेड़ा के नाम से जानते हैं, और लेतकी बेड़ा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ एक मैदान है, दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ के बीच में एक बहुत ही बड़ा मैदान है, और उसी मैदान को बेड़ा के नाम से जाना जाता है। ये एक मुंडारी लैंग्वेज में मैदान को बेड़ा शायद बोला जाता होगा, इसी कारण से इसे बेड़ा का नाम दिया गया है। और वहीं पे ये पानी का जो स्रोत है वो मौजूद है, जिसे हम पूर्णा पानी के नाम से भी जानते हैं, और इसे पूर्णा पानी कहने का तात्पर्य है कि ये पानी का जो स्रोत है वो गर्मी में भी बरकरार रहता है, कभी सूखता नहीं है, तो इसीलिए इसे पूर्णा पानी कहा जाता है। और उसी जगह पे जो डोभा या तालाब का निर्माण किया जाएगा, ताकि स्रोत नेचुरल स्रोत से वो जगह भरा रहे और हमेशा ही पानी का स्टोरेज बना रहे। ये देखिए हमारे साथ में हमारे बहुत से दोस्त हैं, साथ ही हमारे पुजारी भी हैं। तो चलिए अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से बरंदा कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। और सभी साथी हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम काफी ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए अभी हम और ऊपर जाएंगे, वहाँ टॉप में वो जगह स्थित है, वहीं पे जाने वाले हैं सभी। कोई धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि कभी ये जो जंगल था वो बहुत ही घना हुआ करता था, तकरीबन
500 एकड़ में ये पहाड़ पूरा फैला हुआ है, जहाँ पे 2-3 शिखर हैं और सभी का अपना अपना धार्मिक महत्व भी है। तो ये जंगल कभी बहुत ही घना हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया और यहाँ के जो गांव हैं उनमें आबादियाँ बढ़ती गईं, तो इसके साथ ही जंगल का अंधाधुंध कटाई स्टार्ट हो गया और जिसके कारण से जंगल अब ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। ये बिल्कुल खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पत्थर हैं और कहीं कहीं पे थोड़े बहुत नीम और पलाश के पेड़ भी दिख जाते हैं, पर अब ये घना नहीं रहा और ये जंगल से पहाड़ बन चुका है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो जानवर अभी रहते हैं, पहले तो इस जगह पे बहुत से जानवर रहा करते थे। यहाँ के इतिहास में बाघ के भी प्रमाण मिले हैं, पहले इस जंगल में बाघ भी हुआ करते थे। और बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले सुबह के समय में भी, दिन के उजाले में भी जंगल में ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते थे, इतना घना हुआ करता था। पर आज यहाँ पे बहुत कम जानवर बचे हैं और इस जंगल में बंदर का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पहाड़ है वहाँ पे खाने के लिए कोई पेड़ है ही नहीं, जिस कारण अब हम काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं और ये टॉप पे पहुँचने ही वाले हैं और सभी आगे बढ़ चुके हैं, हम भी जा रहे हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से ये जंगल जो है वो पूरा जल चुका है और कभी घने पेड़ और बहुत से जानवरों का बसेरा होने वाला ये जंगल आज पूरी तरह से सूख चुका है, जल चुका है, वीरान हो चुका है। अब बताइए कि ये कितना मनुष्यों की एक गलती यहाँ पे रहने वाले हजारों जीवों को बेघर कर दिया, कितने जीवों को मौत के घाट उतार दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम मनुष्यों में थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज ही नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी हम हर बात पे जानवर को ही दोषी ठहराते हैं, हम अपनी गलतियों को कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। जो गलती हम करते हैं वो गलती हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर जंगल में रहने वाले, ये जो जंगल है इसे तो अब जंगल बोला ही नहीं जाएगा, यहाँ पे रहने वाले बंदर अगर गांव में उतर के किसी के छत पे चढ़ जाए, किसी के घर को नुकसान पहुंचा दे, तो आदमी तुरंत रोड पे आ जाता है कि जो जानवर है वो इस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमारे घर को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो जानवर हैं उनके घर को तो हमने तोड़ दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, तो इसके लिए हम किसे दोषी बांधें? कभी हमने दोषी को पकड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कभी हमने इस जंगल को सजाने के बारे में सोचा है क्या कि किस तरह से ये जंगल को हम हरा भरा कर सकते हैं? जो बंदर हैं वो बंदर हमारे घर पे पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं, ना ही हमारे घर पे कब्जा करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जंगल है यहाँ पे उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो उन्हें तो पेट भरना होगा। तो पेट भरने के लिए जब वो हमारे घर में आते हैं तब हम उसे गुनहगार साबित कर देते हैं और उसे गांव से भी भगाते हैं, यानी पहले तो उसका जो घर है उसे हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, अब अगर वो पेट पालने के लिए दर बदर भटक रहा है तो वहां से भी उसे भगाया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम मनुष्य कितना ही निर्दयी हो गए हैं। और जो लोग इस पहाड़ को, बारिंदा बुरु को पूछते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका ये जो देवता रूपी जो पहाड़ है वो पहाड़ अब पहाड़ बर्बाद हो चुका है, यानी आप कहीं ना कहीं से अपने देवता को ही बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका जो खामियाजा है वो भी यहीं के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। आप अपने पूर्वजों का जो देन है
ये जो पहाड़ है ये हमारे पूर्वजों का देन है और इस देन को आप बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो इसका खामियाजा भी आपको जल्द ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जंगल को हरा भरा करें, और हमने इसी को लेके एक छोटा सा अभियान भी शुरू किया है। ये जो प्रोजेक्ट ग्रीन होम है इसके तहत हम ये बरंदा जंगल को पूरा हरा भरा करेंगे, ताकि यहाँ के जो जीव है वो आसानी से यहीं पे अपना पेट भर सके और जंगल में ही ज़्यादातर रुके, गांव में ना जाए, जिससे गाँव वालों के बीच में जो आक्रोश पैदा हो रहा है जानवर को लेके वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कम किया जा सके। तो अब हम आगे आप लोग को लेके चलेंगे, आगे हम भूमि पूजन करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों साथ में बने रहिएगा। अभी जैसे कि हम जानते थे कि जंगल में जो आग लगती है वो पेड़ से, पेड़ जब घर्षण होता है तो इससे आग लगता है या पत्थर के घर्षण से आग लगता है, पर अब ये जो बातें हैं ना ये अब पुरानी हो चुकी हैं, अब ऐसा नहीं होता है। अब आग लगने का कहीं ना कहीं दोषी मनुष्य ही है, जो कभी गेंद पत्ता तोड़ने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, कभी महुआ चुनने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, कभी लकड़ी लाने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, और अभी तो हमारे क्षेत्र में हाथी भगाने के लिए जंगल में आग लग रहे हैं। तो ये जो है बात की अब आग लगने का सबसे बड़ा दोषी मनुष्य है और आसपास के जो गांव है वही गांव ही इसके दोषी हैं, क्योंकि जो गांव है पूरा गांव ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन गांव वालों को पता होता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है और उस व्यक्ति को, उस असामाजिक तत्व को सब कोई बचाने में लग जाते हैं। कोई उसके ऊपर में कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहता कि भाई तुमने ये गलती किया है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, ग्राम सभा के माध्यम से कम उसके ऊपर में कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें फर्क ही क्या पड़ता है, वो मेरा घर थोड़े था, जंगल था, जानवरों का घर था, उसका घर जल गया तो हमको क्या है, हम तो स्वार्थी हैं, हम मनुष्यों को तो बस पैसे से मतलब है, उससे ज्यादा हम कभी कुछ सोचते ही नहीं है। तो यही दोष है कि आजकल जो भी हो रहा है इसका सारा जो जिम्मेदारी है वो आसपास के गांव वालों का ही है और वही ऐसा काम को कर रहे हैं। दोषीदार जिस भी जंगल में आग लग रहा है वहां सामने में जो भी गांव मौजूद है वही सबसे बड़ा दोषी है। अगर वो गांव वाले आज सचेत हो जाए, एक बार ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर में कार्रवाई करना शुरू कर दे तो ऐसी घटनाएं हमको देखने ही नहीं मिलेगी, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगे, और जो जानवर हमारे गांव में हमारे घर में आ रहे हैं वो भी अब गांव में नहीं आएंगे। तो ये बात होते रहेंगे, अब हम आगे आप लोग को दिखाते हैं। আগে গুড় চিড়াই ছিল না যখন যুগে কোনো নাই ছিল তখন কি ছিল গুড় চিড়াই ছিল সর্ব পাপ হরং দেব মকর আয়া নমো নমা ফুল ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वादा नमस्तुते एत गंध पुष्पे ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा देवी हो नमः जले छिड़ा दो ऐसा धीपा ऐसा धूपा ऐसा नैवेद्यं ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा देवी हो नमः प्रणाम करो ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तुलसी बात
दूसरी बात ठीक होता है। ओम धाये सदा सावित्री स्त्रीनी निश्य मास्यो मया पद्मा सनासंगा धायच्च तिलोकं मातरं गौरवर्णा सुरूपांचो नाना अलंकार भूषितं रुग्म पद्मा व्याघ्र करदं भरदं दक्षिणेतु एतगंधपुष्पे ओम श्री लक्ष्मी देवी हो नमः। ऐसा धीपा ऐसा धूपा ऐसा नैवेद्यं ओम श्री लक्ष्मी देवी भो नमः। प्रणाम करो ओम विश्व रूपस्य भर्जासि पद्ये पद्मालये शुभे सर्वार्थ पाहिनी देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। फुल्लो दलपात ओम महादेव महात्राण महाजोगी महेश्वर सर्व पाप परम देव मकराय नमो नमः। ओम विश्व रूपस्य भर्जासि पद्ये पद्मालये शुभे सर्वार्थ पाहिनी देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम एतत् खमस्य ओम एतत् खमस्य। अभी हम लोग का यहाँ पे जो अनुष्ठान था वो पूरा हो चुका है और अब हमने यहाँ पूजा करके विसर्जन कर दिया है और अब हम नीचे जाएंगे। तो साथियों यही वो जगह है जहाँ पे इस बार निर्माण किया जाएगा ताकि ये पूरा जगह जो है पानी भर सके और हरा भरा रहे, और आने वाले दिनों में हम यहाँ फिर से आके दिखाएंगे कि यहाँ जो अभी हम कर रहे हैं इसका कितना लाभ यहाँ के जंगलों को मिला है। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जंगल में कभी भी आग न लगाएं। अगर कहीं पे आग लगा दिखे तो उसे यथासंभव बुझाने का प्रयास करें, और ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसे काम को कर रहे हैं उन्हें अपने स्तर से कभी कुछ दंड देने का काम भी करें, तभी जाके ये परिचलन बंद होगा। तो साथियों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जंगल और जानवर से जुड़ी हुई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल हाथी मित्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। अब हम नीचे आ चुके हैं साथियों, और आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अब कुछ ही दिन बाद से यहाँ पे काम स्टार्ट हो कर दिया जाएगा, और हम फिर समय समय पे आपको दिखाएंगे कि ये जगह ये जो योजना है उसके बाद में इस जगह पे कितना बदलाव आया है और क्या क्या बदलाव यहाँ पे आया है, ये मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हाथी से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9931334880 पे मैसेज करें, और हाथी मित्र व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें जिसके माध्यम से आप हाथी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले देख पाएंगे, जान पाएंगे और हाथी से अपनी जान बचा पाएंगे। तो बार बार मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम इस तरह के वीडियोज और इस तरह के काम करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज का सफर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।